तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रिलेशनशिप में क्यों आ जाते हैं, क्या ऐसी वजह होती है जो ज़्यादातर लोगों के साथ देखी गई है जब वो किसी भी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं या उन्हें प्यार हो जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक नार्सिसिस्ट इंसान को आपसे कभी प्यार नहीं हो सकता। आपको बहुत बार ये लगता है, लोग आके ये चीज़ मुझसे बोलते हैं कि नहीं वो तो मुझसे प्यार करता है, वो अगर एक नार्सिसिस्ट है ना, ये चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि अगर वो नार्सिसिस्ट है तो वो आपसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता, या तो वो किसी और से भी कभी प्यार नहीं कर सकता। उसको सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है, अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करना। हो सकता है वो दुनिया के आगे भी ऐसा हो, पर ज़्यादातर नार्सिसिस्ट क्या करते हैं ना, जो ये रिलेशनशिप में जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो दुनिया वालों के आगे बहुत अच्छे होते हैं, बड़े चार्मिंग होते हैं, बड़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी होती है, ज्ञानी दानी कुछ भी हो सकते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी लेकर चलते हैं, पर जब रिलेशनशिप में आते हैं ना तो वो बहुत मैन्युपुलेट करते हैं। उनको कंट्रोल करने में मज़ा आता है, उनको बूस्ट मिलता है, उनको एनर्जी मिलती है, अंदर ही अंदर उनको एक खुशी महसूस होती है कि ओह मैंने क्या अचीवमेंट मुझे मिल गई है। उनको अच्छा लगता है अपने पार्टनर को नीचा दिखाना, वो उनकी वजह से रोए, उनके आगे गिड़गिड़ाए, हर चीज़ बताए मैं कहाँ गई, किसके साथ किससे बात कर रही थी, तो बड़ा फियर क्रिएट कर देते हैं ये लोग। और फिर आप लोगों को लगने लगता है ना कि ये प्यार है, क्योंकि वो केयर भी बहुत करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी रीज़न आगे बताऊँगी मैं, तो आपको भी लगने लगा कि ये आपसे बड़ा प्यार करता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गाली देता है, कंट्रोल करता है, अब्यूजिव है, वायलेंस करता है, पर केयर कितनी करता है, प्यार कितना करता है। तो देखिए उनका प्लान होता है, ये एक साइकिल होता है, और फिर घुमा फिरा कर वही चीज़ें होती है, प्यार, लड़ाई, फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा, वायलेंस, फिर उसके बाद फिर से मनाना, और यही साइकिल फिर रिपीट होता रहता है। तो देखिए एक तरफा प्यार हो गया ये, और एक तरफा जब प्यार हो किसी रिलेशनशिप में तो वो रिलेशनशिप टिकता नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप में दोनों तरफ से प्यार चाहिए, अगर सिर्फ एक तरफ से प्यार है तो वो रिलेशनशिप में आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, नार्सिसिस्ट लोगों का ना फेवरेट शिकार होता है इमोशनल लोग, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, वो कई सारे शिकार ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें एकदम से आपसे कुछ हो गया तो इसलिए आपके साथ वो रिश्ते में आ गए, आपको डेट करने लगे, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत सारे लोगों में से तलाशते हैं कि इसमें से सबसे कमज़ोर इमोशनल कौन है, इमोशनली वीक कौन है, क्योंकि होता क्या है ना कि उनको तोड़ना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। इमोशनली वीक लोगों को मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, और वो लोग भी जल्दी बात मान लेते हैं। बाकी जैसे जो लोग स्ट्रांग होते हैं तो उनके साथ वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और देखिए ऐसी बात नहीं है कि नार्सिसिस्ट किसी स्ट्रांग इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं आते, वो स्ट्रांग के साथ भी आते हैं, पर उनको तोड़ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो अवॉइड करते हैं। पर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो स्ट्रांग के साथ भी आ जाए, पर उनका फेवरेट शिकार होता है इमोशनल लोग। तो इमोशनल लोगों के साथ क्या होता है ना कि जब वो किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो सारी वो सब चीज़ें होती है, कंट्रोल करना, अब्यूजिव, फिर वायलेंस करना, डोमेस्टिक वायलेंस, गाली गलौज, मारपीट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद भी वो उसको नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि वो इमोशनल होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, क्या पता सुधर जाएगा, मैं तो नशा मुक्ति केंद्र हूँ, मैं इसको सुधार दूंगी, मैं इसको ठीक कर दूंगी, ऐसे ही लगने लगता है ना कि नहीं मैं तो बहुत दिल की अच्छी हूँ, मैं इसको सुधारूंगी, कोई बात नहीं, ये बुरा इंसान है। और हमारी फिल्मों में भी ऐसे ही दिखाया गया है, कई तो ऐसे शादियों के बाद सासें ऐसी चीज़ें बोलती है कि बेटे को संभाल नहीं पा रही। अरे बेटे को आपकी बहू संभाल नहीं पा रही है, आपने क्या करा बचपन से, जिस बेटे को पाला वो एक नंबर का नालायक, उसको आप संभाल नहीं पा रहे हो। तो लड़कियों को ये चीज शुरू से बचपन से बिठा दी जाती है दिमाग में कि नहीं अगर पति ऐसा है, पति दारूबाज है, पीटता है, नशेड़ी है, जुआरी है, तो उसको सुधारने का काम उसकी बीवी का, उसकी गर्लफ्रेंड का, उसकी लाइफ पार्टनर का हो जाता है, नशा मुक्ति केंद्र है क्या। और लड़कियों के मन में बैठा भी रहता है, बहुत सारी लड़कियों के मन में, नहीं इससे तो मेरा प्यार सुधार देगा, मैं इसे सुधार दूंगी, क्योंकि वो बड़ी इमोशनल हो जाती है कि इसको ठीक कर दूंगी मैं, और वो चीज़ फिर नहीं होती और वो साइकिल रिपीट होता रहता है, होता रहता है। तो देखिए जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आने के, अगर वो डेटिंग फेज में हो या रिलेशनशिप में भी हो तभी वो चीज़ सहते रहते हैं, और शादी के बाद तो मतलब बहुत लोग इसे आदत ही बना लेते हैं, किस्मत सोच के बैठ जाते हैं, अभी तो किस्मत ही ऐसी थी, कोई बात नहीं, झेलती रहती हूँ। और एक नार्सिसिस्ट को भी बड़ा मज़ा आता है, उनको अच्छा लगता है ऐसे लोगों को तोड़ने में। अच्छा, दूसरा कॉमन रीज़न किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आने का होता है कि उनकी क्वालिटीज़,
अब वो क्वालिटीज दोनों में से किसी की भी हो सकती है, एक नार्सिसिस्ट की भी हो सकती है, क्योंकि वो लोग ना बड़े अट्रैक्टिव होते हैं. मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी, बड़े चार्मिंग होते हैं, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी होती है उनकी. तो जो दूसरा इंसान होता है तो उसको ये चीज़ लगेगी कि यार बड़ी सही इसकी तो पर्सनालिटी है, सबसे अच्छे से बात करता है, हर जगह इसकी बड़ी चौड़ चल रही है, बड़ी पहुँच है. तो वो ऐसे इमेज क्रिएट करके ही चलता है शुरू से ही. ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से कर रहा है आपके आगे, वो हमेशा से ही ऐसा बनाकर चलता है कि उसे लोगों को अट्रैक्ट करना है. तो आप उसको देखते हो, आप सोचते हो यार बड़ी सही है यार, इसका तो सब कुछ सबसे अच्छी जान पहचान है, सबसे अच्छे से बात करता है, बड़ी पहुँच वाला आदमी है, बड़ी चौड़ वाला आदमी है. ऐसा होता है जनरली. तो आपको लगता है कि यार ये क्वालिटीज़ तो मेरे में नहीं है. लोगों से जिस तरीके से बात करता है, दो मिनट में उनको सेट कर लेता है. देखा है मैंने नार्सिसिस्ट को, वो उनको लोगों को पटाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो फिर आपको बड़े अट्रैक्टिव लगने लगते हैं वो, ठीक है. तो उनकी ये कुछ क्वालिटीज़ आपको पसंद आ जाती है, तो इस तरीके से आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो. दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि आप में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हो, जैसे मैंने फर्स्ट वाला आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, पर वो स्ट्रांग के साथ भी आ सकते हैं. स्ट्रांग के साथ उनको उनको भी तोड़ने में बड़ा मज़ा आता है. आप जैसे पढ़ने में बहुत अच्छे हो, या अपने करियर में बहुत अच्छे हो, या आप में कुछ ऐसा टैलेंट है, और या आपकी कोई भी हॉबी है उसमें आप बहुत अच्छे हो, है ना, तो वो चीज़ से वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा बोल रही है, ये तो बड़ा अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, करियर में, पढ़ाई में. अब उसको ख़राब करने में नार्सिसिस्ट को बड़ा मज़ा आता है. उनको लगता है कि ये मेरी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो वो फिर इस टाइप का भी शिकार ढूंढते हैं कि जिनमें ऐसी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हो. अब उन चीज़ों को ख़राब कर कर उनको संतुष्टि मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है. तो उनके साथ भी वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं. या तो आपको उनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ अट्रैक्ट कर रही है, या तो आपकी कोई क्वालिटीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही है नार्सिसिस्ट को, उस चीज़ को ख़राब करने के लिए. फिर तीसरी चीज़, लव बॉम्बिंग. काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस करा होगा अगर वो किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में रहे होंगे. ये जो प्यार होता है ना, तो वो इतना ऊपर ले जाता है, इतना एक्सट्रीम में होता है, इतना ज़्यादा हाई हो जाते हो आप. जैसे कोई नशा करके, ड्रग्स लेकर इंसान हाई हो जाता है ना, एक अलग तरीके की खुशी महसूस होती है. तो वो वाली खुशी महसूस होती है आपको, बहुत अच्छी फीलिंग आती है. इतना प्यार आपके ऊपर निछावर कर देंगे, तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे अच्छी हो, हर चीज़ से, गिफ्ट से, हर तरीके से, जिस तरीके से भी आपको महसूस होगी आप स्पेशल हो. तो वो इस तरीके से आपको फील कराएंगे ना, कि आपने कभी भी ऐसा अपने किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में महसूस नहीं करा होगा, और बहुत अच्छा लगने लगता है ये आपको. तो उसके बाद जब वो आपके साथ कुछ गलत भी करते हैं, वायलेंस भी करते हैं, आपको अब्यूज़ करते हैं या कंट्रोल करते हैं, कुछ भी जैसे गलत चीज़ आपके साथ करे, तो आप उनको कई बार माफ़ करते जाते हो, और फिर ये साइकिल रिपीट होता जाता है. तो प्यार होता है तो बहुत एक्सट्रीम में, झगड़े होते हैं तो वो भी बहुत एक्सट्रीम में, तभी फिर से वो वाला साइकिल आ जाता है लव बॉम्बिंग का. आपको गाली दिया जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको उल्टा सीधा बोला जाएगा, आप पे शक करा जाएगा, और उसके बाद फिर से आपको मनाया जाएगा, आपको घुमाने ले जाया जाएगा, आपको गिफ्ट्स दिए जाएंगे, आपको बहुत प्यार करा जाएगा, आपको वो सर पर रख लेगा. तो ये इनका तरीका होता है, और ये साइकिल ज़िंदगी भर रिपीट होता रहेगा. ये इनकी स्पेशलिटी होती है लव बॉम्बिंग, समझ रहे हैं. और फंस जाओगे इस साइकिल में, और आपको भी लगेगा कि नहीं यार ये तो इतना प्यार कर रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभार गाली दे देता है, झगड़े कर लेता है, पर ये जो प्यार है ना, वो मैं कहीं और मुझे आज तक मिला नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे कभी नहीं मिलेगा. और वो इंसान, वो जो नार्सिसिस्ट है, आपको बार बार ये चीज़ रियलाइज़ करवाएगा कि तू दिखा दे मुझे, मेरे से ज़्यादा तुझे कौन प्यार कर सकता है, मेरे से ज़्यादा तेरे लिए कौन कर सकता है. फिर आपको भी लगता है कि हाँ यार कोई नहीं कर सकता है, और फिर आप फंसे रह जाते हो उस रिश्ते में कि नहीं मैं उसको कैसे छोड़ूं, अगर मैंने इसको छोड़ दिया और मुझे यही फीलिंग किसी और के साथ नहीं मिली लव बॉम्बिंग वाली, तो क्या होगा मेरा. इंस्टेंट डोपामाइन का बूस्ट मिलता है, वो कैसे मिलेगा अगर ये नहीं रहा तो, है ना. तो मैं आपको यही चीज़ बार बार बता रही हूँ कि साइकिल रिपीट होता रहेगा, एंड दिस इज़ नॉट लव, दिस इज़ एडिक्शन. जैसे आपको नशा करके एक हाई मिलता है, वैसे ही इस
प्यार में, इस रिश्ते में जब वो खुशियाँ मिलती हैं तो आप बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हो। तो ये तो नशा हो गया, एडिक्शन हो गया, अटैचमेंट हो गई। प्यार कैसे हुआ ये? जहाँ पर अब्यूज़ है, जहाँ पर इतना ज़्यादा वायलेंस है, जहाँ पर आपकी कोई इज्जत नहीं है, तो वो प्यार कैसे हुआ? तो यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, या मैं बोलूँ तो फंस जाते हो, क्योंकि आप फंस ही रहे हो। ये गलत तरीके का साइकिल है, टॉक्सिक साइकिल होता है, कि बहुत ही भयंकर, जिससे निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करेंगे तो होगा, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी या काफ़ी ज़्यादा आएगी, सच बोलूँ तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं इस टाइप के रिलेशनशिप में, पर निकलना ज़रूरी है। आज नहीं हो रहा है तो कल कोशिश करिए, परसों कोशिश करिए, पर निकलिए ज़रूर। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, और जिसको इसकी ज़रूरत होगी तो उसके साथ शेयर भी ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई सजेशन है, आप चाहते हैं मैं किसी और भी ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और बस इतना ही, अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए।